किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन में तरह तरह की चीज और समय समय पर परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, पर एक बात को लेकर किसान जो अड़िग हैं वो ये है कि कृषि कानून को सरकार वापस ले। ऐसे ही सिंधु बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, जहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सिंधु बॉर्डर पर बाज भी है, पीछे की ओर दिखाते हैं तस्वीरें, घोड़े भी हैं। कैमरामैन रोहित को कहूँगा कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं ये घोड़े भी हैं। निहंग सिख जो गुरु के सबसे प्यारे थे वो अपनी तैयारी के साथ सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं और उनका खाना भी यहाँ पे बन रहा है और लगातार उनकी तैयारी भी हो रही है। उनसे हमने बातचीत भी की और उनका साफ तौर पे कहना है कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा जब तक सरकार बात नहीं मानेगी। पर बाज की खासियत को हम जानते हैं, यहाँ पर बाज पक्षी जो मौजूद है निहंग सिख, और बहुत ज़्यादा इन्हें मानते हैं, प्यार भी करते हैं, आशीर्वाद भी इनसे लेते हैं। ऐसे ही प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी, कौन से पिंड से आप आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा पिंड महमूदपुर, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, ये बताइए, बाज आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, काफी पूजनीय मानते हैं आप लोग बाज को, तो कैसे, इनकी एक्सपर्टीज क्या क्या है और किस तरह से रख रखाव करते हैं इनका? इसका रख रखाव अपने घर पे फ्री में रहता है, खुले में रहता है। ये मेले में लेके आए हैं, इसलिए हम जंग के लिए लेके आए हैं। जंग का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, इसीलिए इसको लेके आए हैं और मोदी सरकार को दिखाने के लिए लेके आए हैं कि हम वो काम है जो बड़े बड़े राजे यहाँ से हार के गए हैं। इसके लिए ये बाज जीत का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। सभी लोग एक नजर से देखते हैं, सबसे ऊंचा उड़ने वाला जानवर है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी है। तो जीत का प्रतीक है और एकता का भी प्रतीक है, भाईचारे का भी प्रतीक है। भाईचारे का प्रतीक है। रख रखाव क्या कुछ खास होता है इनके खाने पीने की अगर बात करें तो कैसे करते हैं? खाना पीना खुद अपना शिकार खुद लेके आता है, खुद शिकार करेगा अपना, जो भी है इसके करेगा, शिकार लेके आएगा, खुद करेगा। कोई मरा हुआ नहीं खाता, जहाँ कोई डिस्पोजेबल बोल देते हैं इंग्लिश में, वो चीज नहीं खाता है। तो जैसे आप इन्हें खोल देते हैं, जाते हैं अपना शिकार खुला रहता है, इसीलिए जहाँ जंग के लिए लेके आए तभी लेके आए, घर पे खुला रहता है। खतरे कोई भाप लेता है बाज, कहीं अगर खतरा हो तो किस तरह से आप लोग की बातचीत होती है, कैसे आपको बताता है कि खतरा है? इसका नाम फतेह रखा हुआ है, ये हमको बता देगा। कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी बाहर का बंदा आएगा घर पे आएगा, ये गेट पे बैठा रहता है, एंट्रेंस गेट पे बैठा रहता है। पास में गुरुद्वारा है, कहीं गुरुद्वारा में चला जाएगा, हमारे पास ज़्यादा रहता है। हम बचपन से इसको रखा है, छोटा सा जब लेके आए थे हम। कितनी उम्र हो गई होगी फतेह की? इसकी 9 महीने है, 9 महीने के हमारे पास ही है। प्यार करते हैं बहुत आप लोग? बहुत करते हैं, आवाज़ से बुलाने से आवाज़ देता है, आवाज़ देगा। फतेह 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 बोलने से सारे को और आवाज़ को सुन रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। उसका नाम फतेह है, फतेह बोलने से जब कोई थर्ड पर्सन बोला ये खुद बुलाएगा हमको, बोलने लगता है। आपस में बातचीत भी करते हैं? बातचीत करते हैं हम। हालांकि सिंघु बॉर्डर पर प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, देखिए कितने लोग इनके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, फोटो भी लेना चाह रहे हैं। सेल्फी ले जा रहे हैं, एकता का प्रतीक है, जंग का प्रतीक है। इसे बहुत सारे बाज लोग लेके आए हैं, नैंग सिंह लेके आए हैं, उनका भी वहाँ बैठा हुआ है, नैंग सिंह भी लेके आए हैं। मैं भी कल का हूँ, 10 दिन से जहाँ हूँ यहाँ रहूँगा और जब तक मोर्चा रहेगा तब तक रहूँगा। प्रधान जी, मोर्चा पता करके जाएंगे। प्रधान जी, पर सरकार की बात करें तो सरकार की मंशा और तैयारी ऐसी नहीं नजर आती जिससे वो कानून को खारिज कर दें या संसद का सत्र बुलाए, ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है सरकार की ओर से? उसको करना पड़ेगा, लोगों के आगे कुछ नहीं है, उसको करना पड़ेगा, जितने दिन मर्जी रोक ले उसको करना पड़ेगा। एक दिन हार के जाएगा मोदी, किसानों की जीत होगी। आपने फतेह के पास कुछ लिखा भी है पंजाबी में, वो हम समझना चाहेंगे, क्या कुछ आपने लिखा? वो विलेज नेम है, विलेज नेम है महमूदपुर माझे वाले, पंजाब में 3 स्टेट है, माझा मालवा दवाबा, हम माझे से हैं, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप लोगों को खतरा नहीं होता है कभी? आप लोगों को महसूस नहीं होता है कि इनसे कोई डर हो, भय हो आपको? इनसे कोई नहीं, हमारे घर का है, हमारे रक्षा करता है, हमारे खुद की रक्षा करता है, परिवार की तरह, परिवार की तरह, परिवार के मेंबर है। ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है साथ में, ये भी देखभाल करता है, अभी ये भी सब कुछ कर लेता है, इसका देख रहे ये खुद करता है। अगर यहाँ पर कोई खतरा हो तो कैसे फतेह आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर खतरा है, कुछ अगर ऐसी चीजें बताएंगे? बताएगा, बोलेगा, बोल के बताएगा, समझने वाला चाहिए।
जैसे भाषा आप पंजाबी नहीं जानते वैसे ये भाषा इसकी भाषा समझ नहीं पड़ती है, आप लोग समझ जाएंगे, आपको समझ जाएंगे, इसलिए ये बॉर्डर पे आप खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े और आगे ही बढ़ते जाएंगे, दिल्ली आगे बढ़ेंगे। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है।